तो गुड मॉर्निंग। आज भारतीय राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अंतरराज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय का ये हमारा जो है तीसरा भाग होने वाला है। और ये हमारा तीसरा भाग अभी हो चुके हैं 2:15 30 तारीख 2024। तो अभी दोस्तों इस क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि इसी भारतीय राज्यों की अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थित जो है हमने 3 पार्ट तो इसे कंप्लीट कर दिए हैं। ये तीसरा जो है हमारा बाकी, और ये जो है पेज नंबर तीसरा है अभी, और कल जो है वो आज शाम तक ही चौथा हो जाएगा, और कल तक जो है पांचवा, ये भी जो पांचवा कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे करके किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा। तो दोस्तों आप इसमें जरूर से ध्यान दीजिए और बने रहिए शुरुआत से लेकर के अंत तक ऐसे ही हमारे इस वीडियो के अंदर। तो चलो बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। भारतीय राज्य और अंतरा एवं अंतरराष्ट्र स्थित 9 डिग्री चैनल की अवस्थिति में 9 प्रश्न नंबर 21 9 डिग्री चैनल की अवस्थिति अ कावरती तथा मिनीमाई के बीच, ब आउमिन देवी तथा कावरती के बीच, स कार निकोबार के बीच, द अंडमान तथा निकोबार के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अ और कावरती तथा मिनीमाई के बीच। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाते हैं। भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है, भारतीय समुद्र तट रेखा की लंबाई है अ 6503 किमी, ब 75.16.6 किमी, स 51.5 किमी, या इनमें से कोई नहीं। भारत के समुद्र तट की रेखा की कुल लंबाई जो है वो 6503 किमी, 7516.6 किमी, 5105 किमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब 75.16 किमी। अभी आ जाते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाएं से जुड़ी हैं? निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमा से जुड़ी है? अ इनमें से कोई नहीं, ब असम, स उत्तर प्रदेश, द नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है, तो ये 4 प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं, असम, उत्तर प्रदेश और नागालैंड। निम्न में से राज्यों की सीमा के 4 राष्ट्रों की सीमा से इसे जुड़ी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम और अन्य राज्यों की सीमा को साझा करता है? निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारत और सीमाओं को साझा करता है? मध्य प्रदेश, ब राजस्थान, स आंध्र प्रदेश, और द उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं। अरब सागर में स्थिति भारतीय द्वीपों के रूप में जाना जाता है। अरब सागर की स्थिति और भारत द्वीपों के रूप में जाना जाता है। अ अंडमान द्वीप समूह, ब लक्षद्वीप द्वीप समूह, स मालवे द्वीप, द निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 26। भारत में से निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नियुक्त नहीं हो है? अ मेघालय, ब त्रिपुरा, स पश्चिम बंगाल, और द नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। नव गठित और राज्य तेलंगाना भारत के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? 2.5%, 5.5%,
3.5% और द 4.5%। इसका जो राइट आंसर है वो है स 3.5%। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाते हैं। चीन मैकमोहन की सीमा रेखा, चीन मैकमोहन की सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? मैकमोहन और संबंध भारतीय रेखाओं की सीमा कितनी है? अ 7, ब 4, स 5 और द 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स 5। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य। दोस्तों ये हमने 2-3 सवालों के अंदर और इसका जिक्र हुआ था, और पहले भी जो हमने 2-3 क्लासें की है उसके अंदर भी इस सवाल का जो है जिक्र आपको सेकंड जो बीती हुई क्लास में भी आपको देखने को मिला, और इसके अंदर भी ये आ गया। मध्य प्रदेश, ब उत्तर प्रदेश, द स राजस्थान और द गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो राज्य है सबसे बड़ा राज्य है दृष्टि से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाते हैं। प्रशांतरा दृष्टि और देश के राज्यों तथा प्रकाशित में संदेश और 28 राज्यों में से कोपाधिक्स 19 और कुपा प्रकाशित प्रदेश और 29 में कृपा प्रदर्शित और 28 में है। इसका 28 राज्य में कोपापदित प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है द 28 राज्य और 8 कोपापित प्रदेश। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और ये जो है हमारा पार्ट 3 है। यदि आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टाटा जी जय भारत दोस्तों।